सर आकांक्षा फोर्टी में कितने क्वेश्चन आते हैं? सर निगेटिव मार्किंग होता है क्या? सर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? सर क्या ये टेंथ से पूछा जाता है या नाइन्थ और इलेवेंथ का भी सिलेबस रहता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी। मेरा नाम है रवि रंजन और मैं स्वागत करता हूँ आपके इस नए वीडियो में। आकांक्षा फोर्टी से रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें मैं आंसर करने वाला हूँ आपके हर एक क्वेश्चन का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आकांक्षा फोर्टी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसको दिखाने के लिए मैंने हेल्प लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से दिखा रहा होऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग होता है नहीं होता है, टेंथ का सिलेबस कर लेने से हो जाएगा क्या, और भी हर एक डाउट। तो एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है जिसमें आकांक्षा फोर्टी के बारे में बताया है और उसको डिटेल में बताया है कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार देख लीजिए। वैसे आकांक्षा फोर्टी जैक के द्वारा लिया जाने वाला एक परीक्षा है जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट, मतलब नीट यानी मेडिकल हो गया, क्लैट और एनडीए की फ्री में तैयारी कराई जाती है। क्लैट और एनडीए पहली बार इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें 40-40 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, उसके लिए एग्ज़ाम होता है जिसको आकांक्षा फोर्टी का एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसके बाद आपको न रहने का खर्च देना पड़ता है, न खाने का, न पढ़ने का, पूरा 2 साल का पढ़ाई फ्री में होता है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हर एक डिटेल आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हर एक डाउट को हटा सके, हर एक डाउट को आपका दूर कर सके। इसके साथ साथ अगर आप कुछ और भी चीज़ चाहते हो आकांक्षा फोर्टी से रिलेटेड, बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि यही चैनल है जो आकांक्षा फोर्टी के मामले में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। रीजन पहले भी बता चुका हूँ, 2-2 झारखंड टॉपर मेरे हैं और इस बार भी 5 स्टूडेंट हैं जो कि आकांक्षा फोर्टी में पढ़ रहे हैं। मिलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं पूरे डिटेल में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके सामने जो 2021 में आकांक्षा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये 2020 का है, उसका क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। सबसे पहला डाउट जो आपको आता है कि सर मैक्सिमम मार्क्स कितना हो रहा होगा सर, तो इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स का अगर बात करिएगा तो 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हो रहा होगा। टाइम अगर आप कहें तो 1.5 घंटा यानी कि 1 आवर 30 मिनट होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो सर क्या क्वेश्चन 150 ही होते हैं? बोला नहीं, क्वेश्चन 75 होगा, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 2 हो रहा होगा। तो आपको और भी डिटेल में यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशन रहता है। OMR जो सीट है इसमें 2 विवरण तथा अंकित उत्तर अंकित करने हेतु केवल काले नीले बॉल पॉइंट का यूज करना है, आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। पिछले बार जो टाइम था 10:45 था, इस बार भी होपफुल यही रहेगा, 10:45 बजे था, 10:45 तक। और किसी भी परीक्षार्थी को 15 मिनट की अवधि के दौरान प्रश्न के उत्तर की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको आंसर 11 बजे से करना था, 10:45 पहुंच जाना था। अब बात करते हैं मेन चीज़ का, देखिए 75 प्रश्न है टोटल क्वेश्चन अगर बात करें तो 75 है, जिसमें से 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स और 25 बायोलॉजी, 25 रसायन भौतिकी और 25 बायोलॉजी जीव विज्ञान। मतलब अगर बात करें कि टोटल कुल प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या आपके पास 75 है, 75 है, हर एक अंक का जो है 2 नंबर है, यानी कि 150 नंबर का जो होगा पेपर होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, सर निगेटिव मार्किंग होगा क्या? अरे नहीं भाई, नहीं होता है निगेटिव मार्किंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से केवल एक ही सही है, सही उत्तर के गोले को OMR उत्तर पत्रक पर ठीक से काला करें, एक से अधिक उत्तर देने पर उस उत्तर को अमान्य माना जाएगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन आप समझिए कि अगर निगेटिव मार्किंग होता तो यहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ होता कि
अगर आप गलत करते हैं तो इतना नंबर काटा जाएगा। नहीं किया गया ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निश्चिंत रहिए। इसके बाद बाकी का डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही पॉइंट था कि 75 क्वेश्चन हो रहा होगा, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स, 25 बायोलॉजी, मैथ्स में भी सेम सीन रहेगा, और टोटल नंबर अगर बात करें तो 150 नंबर का रहेगा पेपर। 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर हो रहा होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर हो रहा होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा होगा। इससे बेहतर आइडियल कंडीशन कुछ होता ही नहीं है। 75 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम है। आगे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ गाइडलाइन। अब इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिएगा कि क्या सिलेबस 10th का आता है, 9th का आता है, 11th का आता है, और उसके लिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप अगर क्लास 10th में हैं तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th, या फिर अगर आप बाद के स्टूडेंट हैं तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है मोस्टली 10th से ही पूछे जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि 10th को बढ़िया से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। और इसका प्रूफ अब आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर। तो ये दूसरा पेज है, और दूसरा पेज देखिए, दूसरा पेज रहता है खाली। तीसरे पेज से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, कैसा होता है मिरर यानी कि लाइट। अच्छा, एक और बात, फिजिक्स का टीचर हूँ मैं, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और फिजिक्स में आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि दो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर लेते हैं इस आकांक्षा 40 में। एक तो है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, और दूसरा है आपका लाइट यानी कि प्रकाश। फिजिक्स में इन दोनों चैप्टर को कर लीजिए, आपका बेड़ा पार है। और फिजिक्स में ज़्यादा मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं दो चैप्टर से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। प्रूफ सामने देखिए ना, पहला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, दूसरा क्वेश्चन लेंस से है ऑप्टिक्स का मतलब कि लाइट का, तीसरा क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ एनर्जी से आ गया आपके पास कि कौन सा एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना, नहीं है, वो हो गया। फिर उसके बाद फिर से लेंस, तो ये पूरा का पूरा लाइट, पावर डायोप्टर, अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ पावर, यहाँ पे वाट है, अगर डायोप्टर दिया हुआ रहता तो लाइट का पावर हो जाता। तो इस तरीके से ये 9th क्लास का, लेकिन इसमें क्या 9th क्लास का बात है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। अब देखो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्या हो रहा होगा, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा प्रतिरोध, ये है। फिर लाइट के बारे में और फिर से बोला गया। फिर दृष्टि दोष माने प्रकाश से रिलेटेड ही है, वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिसिटी से है, वैद्युत से है, फिर से लाइट से, फिर से लाइट से, और यहाँ पे देखिए कि फिर से यहाँ पे दृष्टि दोष यानी कि लाइट से ही है, प्रकाश से ही है, और इसके बाद फिर से प्रकाश से, इलेक्ट्रिसिटी से, और फिर यहाँ पे देखिए आप, फिर इलेक्ट्रिसिटी का पेपर में क्वेश्चन, फिर उसके बाद लाइट का क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर से लाइट का क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, फिर से लाइट का ही क्वेश्चन, रेड लाइट यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल क्यों होता है, लाइट का क्वेश्चन, और फिर से देखिए सर्किट में एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन, एक सर्किट का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से, देखते जाइए, फिर से इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन, सिंबल दिया हुआ है और उसका लिखना हुआ था, इलेक्ट्रिक मोटर का कॉइल जो होता है ये आपका मैग्नेटिज्म से हो गया, चुंबकत्व से हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे मोटर के बारे में बात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कौन नहीं जानता, थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट समझता ही है कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहते हैं, तो कुंडली को क्या कहा जाता है, ठीक, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा हो गया कि शॉर्ट सर्किट में करंट क्या हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है एक्सेसिवली, और इसी से फिर से आग वाग लगता है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड की वजह से होता है। तो ये सब तरीके के क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिसिटी से फिर से। अब आप ओवरऑल देख लिए ना, फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो मानिए, इसलिए मानिए क्योंकि आकांक्षा 40 का रग रग जानता हूँ, ठीक है, 5-5, 6-6 स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहे हैं, 2-2 बार झारखंड टॉपर मेरे स्टूडेंट हुए हैं, और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको बिलीव हो सके, रीजन यही है, समझ में आया। तो जो बोल रहा हूँ उसको मानिए, ये फिजिक्स हुआ, फिजिक्स में दो चैप्टर को बहुत तगड़ा करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में देखिए रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर आपके पास ये विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है वो है, नेचुरल गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया। तो इस तरीके का आप देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे मैं आपको एक बार क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अगर चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सके। तो देखिए सबसे पहला जो आपका पेज था वो, या चलिए मैं इसको ना पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और फिर देखिए ये कार्बन से रिलेटेड हो गया, इंडिकेटर मतलब सूचक कौन है कौन नहीं है, इस तरीके से ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। बायोलॉजी में भी फिर से 25 क्वेश्चन आ रहे होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, किसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोमल डिवीजन क्वेश्चन आ गया था, ये थोड़ा सा हाई लेवल का भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो बस करना क्या है पता है, करना ये है कि फिजिक्स में तो बहुत हेवी क्वेश्चन आने नहीं जा रहा है, पूरा डीप में पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री को भी डीप में पढ़ लीजिएगा, और बायोलॉजी को भी, और या मैथ्स है तो मैथ्स को भी। एक बात ध्यान में रखिए, मैं बोल रहा हूँ कि
सिलेबस नाइन्थ का पूछा जाएगा तो बहुत कम पूछा जाएगा, थोड़ा डीप में जाएंगे रिलेटेड चीज़ होगा जो कि इलेवेंथ का भी पूछा जाएगा रिलेटेड, लेकिन इसके लिए आप इलेवेंथ नहीं पढ़ने लग जाइएगा। आपको बस करना क्या है कि टेंथ का सिलेबस को बहुत प्रॉपर पढ़ लेना है, हो जाएगा। टेंथ का सिलेबस को बहुत प्रॉपर पढ़ लीजिए, इसमें देखिएगा ना तो शायद कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे जिसको आप छाटिएगा तो मतलब टेंथ के सिलेबस से बाहर हो रहे होंगे, वो भी बाहर नहीं रिलेटेड है, डीप में पढ़िएगा तो हो जाएगा। तो दो तीन क्वेश्चन था सर, कितना क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, 25 25 25, सर कितना नंबर 150 नंबर, एक क्वेश्चन का दो नंबर, सर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा यार। और फिर सर एक और बात था, बोले क्या सिलेबस, बोले बता दो दिया टेंथ पढ़ो, क्लियर हुआ, इतना ही चीज़ करना है आकांक्षा फोर्टी के लिए। लेकिन अगर और कोई डाउट होता है ना कमेंट बॉक्स में बताना, यही चैनल है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, कोई टेंशन होता है कमेंट करना, प्रॉपर आंसर करेंगे, आंसर नहीं करा तो वीडियो बना देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।